हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 6 जुलाई है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे। तो इसके बारे में जो क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों है कि पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA ने 5-डे एनुअल मीट होल्ड की है IPTA की इन जून दिस ईयर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो ये जो मीट है बेसिकली इसमें क्या है कि जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं फ्रॉम अराउंड 12 कंट्रीज दे गैदर एंड दे डिस्कस स्टफ अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है जी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपग्रेडेशन हुई है क्या है कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, पुणे में ही लोकेटेड है, एंड एक ऊटी रेडियो टेलीस्कोप है। तो इन दोनों में अपग्रेड की वजह से अब इंडिया के चांसेस बढ़ गए हैं कि इंडिया मे बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द IPTA। तो इससे पहले इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर, तो परमानेंट मेंबर नहीं है प्रेजेंटली इंडिया। अगर हम IPTA के बारे में थोड़ा जाने तो ये कोलैबोरेशन है रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स की फ्रॉम अ डजन कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, एंड ये मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। तो अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि नैनो हर्ट्ज में जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है जी। सो इंडिया प्रेजेंटली एसोसिएट मेंबर है इसका, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया इज होस्टिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। तो इससे रिलेटेड अब हम आगे थोड़ा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? दे आर डिस्टर्बेंसेज या रिपल्स इन द स्पेस टाइम मैट्रिक्स, और इसको ऐसे भी बोला जाता है दैट दीज आर द रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो दे आर कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ मास इन द यूनिवर्स। सो अगर आप इसको थोड़ा समझने की ट्राई करें कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ शीट एंड चारों जो उसके एजेस हैं उन वहाँ से उसको पकड़ा हुआ है। इट इज़ टाइटली हेल्ड एट ऑल द 4 कॉर्नर्स, एंड उसमें अगर आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई फॉर एग्जाम्पल बॉल ड्रॉप कर दोगे तो जिस तरीके से वो कपड़ा ऐसे मूव करेगा, दैट इज़ व्हाट ग्रेविटेशनल वेव्स आर। ओके, सो ये दे आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो जनरल रिलेटिविटी की जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उससे ही बेसिकली हम ये कंक्लूजन पर निकले हैं कि कुछ इस तरीके की ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, एंड इसीलिए आइंस्टाइन इज said to be the mind behind these gravitational waves, so with their existence demonstrated through timing observations of double neutron star binaries। तो अब gravitational waves को अगर हमने detect करना है तो हमें telescopes क्यों चाहिए? क्योंकि जो double neutron star binaries हैं basically उनकी जो I should say movement की वजह से या उनके जो ब्लिंकिंग की वजह से वी आर एबल टू डिटेक्ट कि कुछ इस तरीके की वेव पास हुई है। हम जानेंगे आगे कैसे। सो ग्रेविटेशन वेव्स दे आर लाइक वेव्स विद अ रिपल इफेक्ट, जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि जिस तरीके से हम कोई एक स्टिल पॉन्ड में अगर कोई ऐसे पेबल फेंक दे, कोई पत्थर फेंक दें, तो जिस तरीके से जो वाटर है वो अप एंड डाउन मूव करता है, या वाटर की वेव जो है वो मूव करती है। सो इन द वेरी सेम वे जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं दे ऑल्सो मूव, बट इंस्टेड ऑफ द अप एंड डाउन मोशन जो हम लेक में देखते हैं या पॉन्ड में देखेंगे, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं दे आर मोर लाइक द साउंड वेव्स, यानी ये एक्सपैंड एंड कंप्रेस करते हैं। तो इनमें होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रेरिफेक्शन। अदरवाइज जो अगर आपको मालूम हो कि जो साउंड वेव्स हैं वो क्या जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हमें टेलीस्कोप्स किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो जो हमारे रेडियो पल्सेस हैं, जो पल्सेटिंग स्टार्स हैं, उनकी जो रेडियो पल्सेशन है, उस जो पीरियड ऑफ रेडियो पल्सेशन है बेसिकली उसको चेंज कर देती है जब भी जो ग्रेविटेशनल वेव है वो मूव करेगी वहाँ से। तो इस चीज़ को जो स्लाइड चेंज होगा उसके पल्सेशन में, वो हमें बता देगा कि अब यहाँ से जो ग्रेविटेशनल वेव वो गुजरी है। तो इसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारे जो टेलीस्कोप्स हैं वो लगे हुए हैं। जो पहले ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए गए थे लीगो के द्वारा, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स थे, एंड जो IPTA है ये किनको ट्राई कर रहा है डिटेक्ट करने की, ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वेरी लो या अल्ट्रा लो, जैसे हमने ऊपर देखा था अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को। तो ये दोनों में डिफरेंस है बाय चांस कोई पूछे तो। सो इट इज़ ट्राइंग टू डिटेक्ट a wave that has a frequency of about a billionth of a second। तो ये काफ़ी कम जो अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास पल्सर टाइमिंग एरे है, तो इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ पल्सर्स विच इज़ एनालाइज्ड टू सर्च फॉर कोरिलेटेड सिग्नेचर्स इन द पल्स अराइवल टाइम्स। तो बेसिकली क्या है पल्सर टाइमिंग एरे के अंडर क्या है कि जो वेरियस एक पल्सर्स होंगे अलग अलग जगह पर, उनको एनालाइज किया जाता है एंड जब सभी सिमिलर टाइप के सिग्नेचर्स हमें देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल वेव है इट हैज़ कम. सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस फॉर पल्सर टाइमिंग एरेज. द मोस्ट वेल नोन इज द एरे ऑफ मिली सेकेंड पल्सर्स टू डिटेक्ट एंड एनालाइज ग्रेविटेशनल वेव्स. तो मिली सेकेंड पल्सर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, जो एरे ऑफ मिली सेकेंड पल्सर्स है टू डिटेक्ट एंड एनालाइज द ग्रेविटेशनल वेव्स. अदरवाइज और भी कई जगह पर इनकी एप्लीकेशंस जो हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि पल्सर क्या है. तो पल्सर क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी ही है जो काफ़ी तेज स्पीड से रोटेट कर रही है एंड मैग्नेटाइज्ड बॉडी है. ऑल्सो इसका जो मास है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई एंड मैग्नेटाइज होने की वजह से इट ऑल्सो emits a beam of electromagnetic radiations. तो जब वो ऐसे तेज़ घूम घूम कर जो अपनी radiations है उनको छोड़ रही है तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी radiations जो है वो अर्थ पर भी इंसिडेंट होंगी. तो इसीलिए एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद जो रेज हैं वो अर्थ पर बार बार इंसिडेंट होती रहती हैं, इसीलिए इनको पल्सेटिंग जो ऐसे जब अगर हम अर्थ पर खड़े होकर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ ब्लिंक कर रही है. तो इस चीज़ को हम पल्सेटिंग एक्शन बोलेंगे एंड दैट इज़ वाई दीज स्टार्स आर नोन एज पल्सेटिंग स्टार्स. ठीक है जी. एंड हैंस दे आर ऑल्सो बेस्ट सेलेस्टियल क्लॉक्स एज वेल कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्लॉकवाइज प्रिसिजन है उसकी, तो इसी वजह से ये सेलेस्टियल क्लॉक की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है. एंड इफ़ देर इज़ अ ग्रेविटेशन वेव जो पास कर रही है बिहाइंड द पल्सर या पल्सर के अराउंड से, सो एक डिफरेंस आ जाएगा उनकी जो पल्सेटिंग में. जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो स्लाइड डिफरेंस आएगा उसी पैटर्न को हमें पढ़ना है एंड बाय स्टडिंग दिस वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक पैटर्न बना सकते हैं दैट विल हेल्प अस डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स. ठीक है जी. मूविंग ऑन, 3D एक्सरे मैप ऑफ यूनिवर्स. तो इसकी बात कर लेते हैं कि एक जॉइंट टीम है जर्मन रशियन साइंटिस्ट की जिन्होंने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम रेंटगन गामा. एंड ये क्या करेगा, पूरा 3 डायमेंशनल एक्सरे मैप बनाकर देगा हमें ऑफ द यूनिवर्स एंड इट विल ऑल्सो अनवील अननोन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी एंड स्टार्स. तो इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस है वाया दिस एक्सरे मैप ऑफ यूनिवर्स. 4-year मिशन होगा ये एंड ये सर्वे करेगा पूरी स्काई को 8 टाइम्स एंड ट्रैक करेगा एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, डार्क एनर्जी दैट इज़ एक्सेलरेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स. तो जैसे डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हमें पता चला है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करता जा रहा है, तो वो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या वो रेड कलर की वजह से हमें दिखता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या ब्लू कलर की वजह से. सो दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स. ठीक है जी. कमिंग बैक एंड जो इसके अगर हम एम्स देखें क्या है कि वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरे मैप. तो इट ऑल्सो एम्स टू डिटेक्ट up to 3 million supermassive black holes, which many of which are unknown, and उसके बाद X-rays from as many as 7 lakh stars in the Milky Way, and the telescope is the first to be sensitive to high energy hard X-rays and map the entire sky. तो ये काफ़ी important है आपके लिए line कि ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो सेंसिटिव है टू हार्ड एनर्जी हाई एनर्जी हार्ड एक्सरेज एंड ये पूरी स्काई को मैप करेगा. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो जो SRG है इसके 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, एक्सरे कंपोनेंट्स हैं. एक है जर्मन बिल्ट eROSITA जो कि एक्सटेंडेड रोंटगन सर्वे विद एन इमेजिंग टेलीस्कोप एरे है, एंड दूसरा है रशियन बिल्ट ARTXE यानी एस्ट्रोनॉमिकल रोंटगन टेलीस्कोप एक्सरे कॉन्सेंट्रेटर. तो जो SRG है इट विल ऑल्सो फाइंड हाउ डार्क एनर्जी इज स्प्रेड इन द यूनिवर्स. तो डार्क एनर्जी के बारे में ये हमें मेजर इंसाइट्स दे सकता है एंड मोर ओवर जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में एंड ऑल्सो जो ब्लैक होल्स हैं उनके बारे में. सो इट विल हाउएवर नॉट डिटेक्ट गामा रेडिएशन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गामा रेडिएशन से इसका कोई लिंक नहीं है. डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ये ही इसका फोटे रहेगा. इससे पहले भी एक्सरे के थ्रू हमने स्काई को सर्वे करने की कोशिश की है लेकिन वो अभी तक पूरी स्काई को एंटायर स्काई को मैप नहीं कर पाए हैं. तो यही एक अचीवमेंट रहेगी जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था कि ये एंटायर स्काई को मैप करेगा. यहाँ पर देखिए. ठीक है जी. सो वाइल जर्मनीज रोसेट मिशन इन द 1990s वॉज सेंसिटिव ओनली टू सॉफ्ट एक्सरेज विद एनर्जीज ऑफ अबाउट 2 किलो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। एग्जिस्टिंग मिशंस जैसे नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, न्यू स्टार है, सो दे कैन सी हाई एनर्जी रेडिएशन एंड रिजॉल्व टाइनी डिटेल्स ऑफ कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स, बट दे कैन ओनली सी स्मॉल पार्ट्स ऑफ द स्काई। तो ये दोनों में जैसे आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि कोई सॉफ्ट एक्सरेज के थ्रू देख रहा था, कोई हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज़ कर रहा था, लेकिन कोई भी अभी तक पूरे स्काई को नहीं कर पाया। सो दे कुड ओनली सी स्मॉल पार्ट्स ऑफ द स्काई। तो दिस कुड बी अ गेम चेंजर। एंड ऐसा नहीं कि ये कोई रीसेंट प्रोजेक्ट है, 1987 में इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था, लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, तो द थिंग्स दे वेंट एस्ट्रे। एंड उसके बाद फिर नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम डिले हो गया, तो उस वजह से भी इसमें डिलेज आते रहे। एंड फाइनली फिर 2008 या 9 के अराउंड दोबारा से इस इनिशिएटिव को पिक किया गया। एंड नाउ दे हैव सक्सेसफुली सेंट द टेलीस्कोप इनटू स्पेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव वॉलबैचिया। तो इस तक हम पहुंचते हैं। सबसे पहले तो जो डेंगी है एंड चिकनगुनिया है, इनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी तरीके अपनाए गए, लेकिन जो काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका रहा वो था कि ऐसे मॉस्किटोज़ को रिलीज़ किया जाए जो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो, जिसका नाम है वॉलबैचिया। एंड ये प्रिवेंट करता है रेप्लिकेशन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग वायरस इन द गट्स ऑफ द मॉस्किटोज़। तो बेसिकली इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ व्हेन दे आर इन्फेक्टेड बाय दिस बैक्टीरिया, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते जो डिजीज़ कॉजिंग वायरस है उसको, एंड इवेंचुअली दे डाई। जो अब प्रेजेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने ये देखा, दे हैव फाउंड अ स्ट्रेन ऑफ वॉलबैचिया नेचुरली अकरिंग इन मॉस्किटो स्पीशीज एई एजिप्टाई इन साउथ इंडिया। तो पहले तो बाय आर्टिफिशियल मीन्स जो मॉस्किटोज़ हैं उनको इन्फेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने साउथ इंडिया में ये पाया कि ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है कुछ मॉस्किटो के स्पीशीज़ के अंडर। तो थोड़ा डिटेल्स देखें। सो वॉलबैचिया इज़ शोन to hinder the replication and dissemination of pathogens in mosquitoes besides inducing reproductive abnormalities। तो काफ़ी एक तो उनकी जो reproduction है उसमें abnormalities cause करता है, इसके अलावा भी replication and dissemination of pathogens, जैसे वायरस की ही बात करें इस context में, तो उनकी reproduction को भी ये या उनके multiplication को भी ये control में रखता है। तो एंड इसीलिए जो researchers थे उन्होंने artificially mosquitoes को infect करना start किया by using this bacteria, ताकि हम जो epidemic बीमारियाँ बन चुकी थी जैसे डेंगू चिकनगुनिया इनको कंट्रोल कर सकें। एंड ऑल्दो जो प्रेवलेंस है वॉलबैचिया की कूलेक्स मॉस्किटो में 1924 में ही डिटेक्ट की गई थी, लेकिन जो वॉलबैचिया इन्फेक्शन ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो है उसको 2014 में ही डिटेक्ट किया गया। तो इसलिए थोड़ा रीसेंट फिनोमिनन है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। वॉलबैचिया के कुछ स्ट्रेन्स तो ऐसे हैं कि वो मॉस्किटो की बायोलॉजी तक इंटरफेयर कर देते हैं, एंड जिससे क्या होता है वायरस का आगे ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। तो अब क्योंकि रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे हमने ऊपर देखा था अभी, तो वो सब हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली जो उसकी बायोलॉजी है उससे इंटरफेरेंस हो रही है, एंड दैट इज़ वाई द मॉस्किटो वुड बी inefficient in spreading the virus. But ये जो humans हैं उनके लिए it is a safe thing and that is why scientists are pursuing the same. एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये स्टडी हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू किस तरीके से दे रही है कि साइंटिस्ट ने पहले ट्राई किया या अभी तक जो ट्राई कर रहे हैं कि एग्स को आर्टिफिशियली दे इन्फेक्ट देम विद दिस बैक्टीरिया, एंड उसके बाद उन एग्स को रिलीज़ कर देते हैं ताकि जो मॉस्किटोज़ हैं व्हेन दे रिप्रोड्यूस, तो उनके जनरेशन आगे आने वाली जनरेशन में वो बैक्टीरिया चला जाए। लेकिन अब नेचर का कोर्स कुछ इस तरीके से है कि धीरे धीरे इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन ये जो बैक्टीरिया है इट गेट्स एक्सपेल्ड। तो अब क्योंकि नेचुरल अकरेंस मिली है हमें इस बैक्टीरियल स्ट्रेन की, तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है कि अब जो कोर्स ऑफ नेचर है मे बी इट इज़ चेंजिंग, या फिर जो मॉस्किटोज़ हैं वो इस तरीके से इन्फेक्टेड हैं कि ये जो हमारा डर था कि आगे आने वाली जनरेशन में वो एक्सपेल हो जाएगा बैक्टीरिया, अब उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है कि क्योंकि हमें नेचुरली अकरिंग ऐसे स्ट्रेन वाले जो मॉस्किटोज़ हैं वो मिल गए हैं। एंड एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉलबैचिया से वो क्या होती है कि ये वायरल कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जो वायरल लोड है बेसिकली बैक्टीरिया में उसको कम कर देता है, तो इस वजह से भी जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ की वो मॉस्किटो बिकम्स इनकेपेबल इन ट्रांसमिटिंग द सेम। ओके जी, फाइनली हमारे पास है सम सेंसर्स टू स्निफ आउट एक्सप्लोजिव्स। तो इसके बारे में जानते हैं। तो एक इंडियन साइंटिस्ट का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है एक पॉलीमर बनाया है बेस्ड बेसिकली फ्लोरोसेंट ऑप्टिकल सेंसर बनाया है, तो एक सेंसर बनाया है जो हाईली सेंसिटिव, सिलेक्टिव एंड इकोनॉमिकली वायबल है एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो ये जो पॉलीमर मटेरियल है इसको सिंथेसाइज किया गया था यूजिंग द रिवर्सिबल एडिशन, फ्रेगमेंटेशन, चेन ट्रांसफ़र, को पॉलीमराइजेशन टेक्निक। तो ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बार जैसे कई बार ऐसे डायरेक्ट टर्म लिखकर आ जाती है जैसे व्हाट इज़ राफ्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, रिसेंटली न्यूज़ या इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, तो उतने एक लेवल तक आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की देयर इज़ नो नीड। ओके, सो ये जो पॉलीमर है इट एग्जिबिट्स येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट एंड वर्क्स ऑन क्वेंचिंग ऑफ द एमिशन। तो इस क्वेंचिंग के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो ये बेसिकली इस कलर का ये जो हमारा मटेरियल है या जो पॉलीमर है एंड क्वेंचिंग के फिनोमिनन पर चलता है। तो क्वेंचिंग क्या है? क्वेंचिंग एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रिच फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि नाइट्रो एरोमेटिक्स में होता है। एंड जब एक्सप्लोजिव्स को के पास इसको एक्सपोज किया जाता है तो जो को पॉलीमर है वो अपनी फ्लोरोसेंट लाइट इंटेंसिटी को लूज़ कर देता है एंड इससे पता चलता है कि जो नाइट्रो एरोमेटिक्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सो नाइट्रो एरोमेटिक्स क्या है? नाइट्रो एरोमेटिक्स दे आर इंडस्ट्रियल क्लास केमिकल्स जो यूज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TNT। तो प्राइमरी कंपाउंड है TNT में जो ट्राई नाइट्रोटूलिन है, उसमें प्राइमरी कंपाउंड्स दे आर नाइट्रो एरोमेटिक्स ओनली, तो उनकी डिटेक्शन में हेल्प करेगा। एंड अब ये क्यों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि TNTs को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है एंड दे ऑल्सो पोज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री सेफ्टी। तो इसलिए ये एक मेजर स्टेप है। सो इट एग्जिबिट्स हाई सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सप्लोजिव जैसे DNT है, TNT है, TNP है, तो ये सभी को ईजिली ये डिटेक्ट कर लेगा एंड इवन एट एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशंस। तो अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी ये जो चीज़ें हैं ये हैं प्रेजेंट हैं तो इनको ये डिटेक्ट करेगा। तो काफ़ी सेंसिटिव एंड इफेक्टिव ये टूल डेवलप हुआ है। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर सैचुरेटेड वेपर्स किसी जगह के अराउंड अवेलेबल हैं तो इवन दैट कैन बी डिटेक्टेड, सो वी कैन सी द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। इससे पहले, इसके डेवलप होने से पहले जो कन्वेंशनल मेथड्स थे वो हमारे कुछ इस तरीके के हुआ करते थे कि वी इधर यूज द स्निफर डॉग्स या फिर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता था जो कि काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल थे या और रेडिली ट्रांसलेटेड फॉर फील्ड यूज़। तो ना तो वो इकोनॉमिकल थे ना इजीली उनको फील्ड यूज़ के लिए डिप्लॉय किया जा सकता था। तो इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए ये एक मेजर हमारे पास चीज़ आई है जो कि है हमारा पॉलीमर बेस्ड मटेरियल बेस्ड फ्लोरोसेंट ऑप्टिकल सेंसर। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।